सो गाइज कैसे हैं आप सब लोग। तो फाइनली आज की वीडियो में बात करने वाले हैं रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 BS6 के बारे में, जो कि काफ़ी सारे शोरूम्स में देखी गई है, मतलब काफ़ी सारे शोरूम्स में आ भी चुकी है लेकिन सेल के लिए अवेलेबल नहीं है। सो जल्दी वो लॉन्च भी हो जाएगी, मतलब 1 से 2 वीक में लॉन्च हो जाए, क्या पता साइलेंटली भी लॉन्च हो जाए कि आपको पता भी ना चले और बाइक आपके शोरूम में आ जाए। सो वो एक बार आप चेक कर लेना, क्या पता आपके शोरूम में आ भी गई हो, लेकिन अभी सेल के लिए अवेलेबल नहीं है, वो शायद आपको 10 से 15 दिन में सेल के लिए मिले। सो बाकी एक बार आप चेक कर लेना। सो गाइस इसी के बारे में बात करेंगे आज की वीडियो में, किस बाइक में क्या कुछ चेंजेस होने वाले हैं एंड क्या ये बाइक वैल्यू फॉर मनी है या फिर नहीं है। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। गाइस सबसे पहले मैं आपको बता दूं इस बाइक के चेंजेस के बारे में। सो यहाँ पे आपको स्पोक व्हील्स की जगह यहाँ पे आपको अलॉय व्हील्स दिए हैं, जो कि काफी अच्छे दिख रहे हैं, मतलब डिजाइन यार जो आप आफ्टर मार्केट लगवाते हैं उनसे भी काफी अच्छा डिजाइन इस बाइक में दिया गया है, जो कि कंपनी फिटेड आते हैं, जो कि काफी अच्छे लग रहे हैं। सो सबसे पहले चेंज तो यही हो गया। उसी के साथ साथ आपको यहाँ पे ट्यूबलेस टायर्स मिलेंगे, जिनकी वजह से आपको वो पहले वाली दिक्कत नहीं झेलनी पड़ेगी कि एक बार पंचर हो गया तो फिर पंचर ही लगवाना पड़े। तो यहाँ पे आप हवा डाल के इजिली 30 से 40 किलोमीटर रन कर सकते हैं। सो वो काफी अच्छी बात होती है ट्यूबलेस टायर्स की। बात करूं नेक्स्ट चेंज की, तो यहाँ पे आपको कलर्स वगैरह तो सेम मिलेंगे, बट यहाँ पे आपको ग्राफिक्स कॉम्बिनेशन थोड़ा सा अलग देखने को मिल सकता है। जैसे कि आपको जो इसका मैट ब्लैक कलर आता है उसमें आपको रेड कलर की स्टिकरिंग देखने को मिल जाएगी अलॉयज वगैरह में। सो यहाँ पे छोटे मोटे चेंजेस आपको देखने को मिल जाएंगे, बाकी कलर वगैरह आपको वही सेम ऑप्शन मिलने वाले हैं। बात करूँ नेक्स्ट चेंज के बारे में, तो यहाँ पे अब आपको कार्बोरेटर नहीं मिलता है, यहाँ पे अब आपको FI मिलने वाला है, जिसकी वजह से क्या होगा कि माइलेज भी थोड़ी सी इंक्रीज हो जाएगी। जहाँ पहले आपकी बाइक 35 देती थी, वहाँ अब आपको 38 से 40 तक इजीली मिल जाएगी एंड वहाँ पे आपको परफॉर्मेंस भी अच्छी खासी मिल जाती है। सो यहाँ पे बाइक की परफॉर्मेंस भी बढ़ जाएगी पहले से एंड यहाँ पे जो पावर ओड्स का टॉर्क है उसका अभी तक कंफर्म नहीं है कि क्या है क्या नहीं है, लेकिन फिर भी ज़्यादा कुछ फर्क आपको देखने को नहीं मिलेगा, टॉर्क तो लगभग सेम ही देखने को मिलेगा एंड यहाँ पे आपको पावर थोड़ी सी कम देखने को मिल सकती है, लेकिन ज़्यादा फर्क नहीं होने वाला आपको इस मॉडल में। पहले वाले से भी ज़्यादा परफॉर्मेंस मिलने वाली है बिकॉज यहाँ पे आपको FI मिल जाता है, उसकी वजह से आपको अच्छी खासी परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगी। सो गाइस बात करूँ नेक्स्ट चेंज के बारे में, तो यहाँ पे अब आपको इस बाइक में पटाखे वटाखे वाला सिस्टम नहीं मिलने वाला, मतलब अब आप इस बाइक में पटाखे नहीं छुटा सकते। पहले आप छुटा सकते लेकिन अब आपको FI मिलता तो उसकी वजह से अब आपको वो दिक्कत देखने को मिल जाए, लेकिन फिर भी यदि आप एग्जॉस्ट चेंज कराते हैं तो आप आवाज़ को मतलब थोड़ा अच्छा कर सकते हो, लेकिन आप पटाखे तो फिर भी नहीं छुटा सकते बिकॉज जो कार्बोरेटर होता है उसमें फ्यूल जमा हो जाता है और उसको एक साथ मतलब बर्न होता है तो वो आवाज़ आती है। सो आपको भी अच्छे से पता होगा कि कैसे पटाखे बजते हैं, जो पटाखे बजाते हैं उनको अच्छे से पता होगा। सो अगर इस बात करूँ नेक्स्ट चेंज की, तो यहाँ पे आपको ऑक्सीजन सेंसर मिल जाता है इसकी बैंड पाइप में फ्रंट में, जो कि आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे एंड उसी के साथ साथ यहाँ पे कैटलिटिक कन्वर्टर भी मिल जाता है, जिससे काफ़ी कम पोल्यूशन होने वाला है। सो वो भी यहाँ पे आपको फिल्टर वगैरह मिल जाता है। माइलेज इस बाइक की इंक्रीज होने वाली मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे आपको वाइब्रेशन थोड़ी सी कम देखने को मिलेगी, मतलब 5 to 6%, उससे ज्यादा कुछ खास देखने को नहीं मिलेगी। वाइब्रेशन मतलब यहाँ पे फ्रेम चेंज कर देते तो काफी कम हो सकती थी, लेकिन इन्होंने वो भी चेंज नहीं किया। बात करें यहाँ पे इसके नेक्स्ट चेंज के बारे में, यहाँ पे अब आपको सिंगल स्पार्क इंजन मिलता है, यहाँ पे पहले ट्विन स्पार्क मिलता था लेकिन अब आपको सिंगल स्पार्क मिलता है। सो यहाँ पे अब आपको साइड स्टैंड कट ऑफ फीचर भी मिल जाते हैं इस बाइक में, जिससे क्या होगा यदि आपकी बाइक का स्टैंड लग रहा है तो आपकी बाइक स्टार्ट नहीं होगी, और यदि स्टार्ट बाइक में आपने यदि स्टैंड लगा दिया तो आपकी बाइक बंद हो जाएगी। सो वो सिस्टम भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा। उसी के साथ साथ बात करूँ इसकी प्राइसिंग की, तो प्राइसिंग की बात करूँ 10 से 15 हज़ार इजिली बढ़ने वाली है, या फिर 20,000 तक भी बढ़ सकती है बिकॉज यहाँ पे काफ़ी सारे चेंजेस किए हैं बाइक में, उस वजह से बाइक की प्राइस बढ़ सकती है काफ़ी हद तक। सो देखते हैं लॉन्च टाइम पे क्या कुछ इसकी प्राइसिंग होती है। सो गाइस यदि कोई चाहता था BS4 लेना तो BS4 ले सकते हो बिकॉज यार कुछ इंटरेस्टिंग मतलब यार इंटरेस्टिंग फीचर्स नहीं आए बाइक में, जिनकी वजह से हम इस बाइक को लें, मतलब वही कॉमन चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, कुछ खास चेंजेस नहीं देखने को मिलने वाले। सो उसकी वजह से यदि आप BS4 लेना चाहते हो ले सकते हो बिकॉज वो भी काफ़ी अच्छी थी, सो वो भी आप ले सकते हैं। यदि कोई BS6 के लिए वेट करना चाहता हो BS6 के लिए वेट कर लीजिए, 10 से 15 दिन आपके शोरूम में वो भी आ जाएगी। सो गाइस ये तो कुछ आज की वीडियो में, सो कोई भी डाउट्स हो तो प्लीज़ कमेंट कर लेना, और जैसी बाइक लॉन्च हो जाती है मैं आपको अच्छे से पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ वीडियो दे दूंगा, तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।